हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास इंग्लिश का एक ये एक सैम्पल पेपर है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री के सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए रीडिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द दैट फॉलो इट सो स्टूडेंट्स टेन टू लूज देयर पेंसिल्स ब्रेक देम विदाउट थिंकिंग And find all sorts of non writing uses for them. The pencil in your hand is one of the most remarkable and useful tools in the world. A man named Frederick Stedler invented the modern lead pencil in about 1622 in Germany. He was the first person to mass produce them. Stedler did not use lead, and there is no lead in your pencil. However, some pencils did use lead until the early 20th century. Lead will make a mark, but it is toxic are not safe to use either in hands or around the face and mouth where many pencils sometimes stray. Stedler used black graphite, a soft form of carbon. Graphite is still used today. It is mixed with clay and wax and heated to high temperatures. The modern pencils is a superb piece of technology. The pencil is less messy than ink, can be easily erased, and makes clear, dark, smooth and smudge-free lines. The modern pencils can produce a continuous line 22 miles long that is the distance of 116 one sorry this is one 160 foot long rulers laid end to end enjoy your pencil for a few cents each it is a remarkable bargain okay first question is mention two improper ways in which students make use of pencils so students yato unke pencils tend to lose their pencils. ब्रेक देम विदाउट थिंकिंग बिना सोचे तोड़ देते हैं या फिर राइटिंग के अलावा किसी और तरीके से फाइंड ऑल सोर्ट ऑफ नॉन राइटिंग यूजेस फॉर देम ये एक आंसर है नेक्स्ट इज लेड इज रेयरली यूज टू मेक पेंसिल्स वाई सो लेड को इतना कम क्यों बहुत रेयरली यूज किया जाता है पेंसिल बनाने के लिए क्योंकि ये टॉक्सिक है और सेफ नहीं है यूज uh, करने का इधर इनहैंड और अराउंड फेस एंड माउथ ये का आंसर है ियल आर पेंसिल्स जो पेंसिल है वो किस चीज की की बनती है? है. ग्रेफाइट ये मॉडर्न पेंसिल टू बी सुपर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी हम मॉडर्न पेंसिल को सुपर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों बोल सकते हैं क्योंकि ये लेस मेसी है इंक से इजिली इसको इरेज किया जा सकता है और ये क्लियर डार्क स्मूथ एंड स्मज फ्री लाइंस बनाती है आंसर नंबर डी नेक्स्ट इज द मॉडर्न पेंसिल कैन प्रोड्यूस समथिंग फैंटास्टिक व्हाट इज इट मॉडर्न पेंसिल क्या बना सकती है प्रोड्यूस कर सकती है सो so ये प्रोड्यूस कर सकती है अ कॉन्टिन्यूस लाइन ट्वेंटी टू माइल्स लॉन्ग विच इज अप्रॉक्स वन लाख सिक्सटीन थाउजेंड वन सिक्सटी फुट लॉन्ग रूलर को अगर आप लेड करें एंड टू एंड ऐसे इसकी जरूरत नहीं है मॉडर्न पेंसिल प्रोड्यूस कर सकती है कॉन्टिन्यूस लाइन ऑफ ट्वेंटी टू माइल्स लॉन्ग ई का आंसर नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन द फॉलोइंग पॉइजनस पॉइजनस के लिए है टॉक्सिक रिमूव्ड समथिंग कंप्लीटली किसी को पूरे तरीके से रिमूव करना इसके लिए था इरेज इरेज एफ का सेकेंड पार्ट

आगे कर लेते हैं टाइम को लेकिन कुछ लोग याद रखते हैं कि टाइम उन्होंने आगे किया हुआ है रॉन्ग है तो फिर वो उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं प्लस फाइव करके उसी के अकॉर्डिंग काम उसी टाइम करते हैं इट मे बी हेल्पफुल टू सेट योर वॉच जस्ट टू मिनट्स अहेड इंस्टीड ऑफ फाइव और टेन पाँच या दस मिनट आगे करने से बेटर है कि आप अपने वॉच के टाइम को सिर्फ दो मिनट ही आगे रखें ओके कीप अ क्लॉक फोन कंप्यूटर और एनी थिंग दैट डिस्प्लेस टाइम इन ईच रूम ऑफ योर हाउस वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू रन लेट इज सिंपली बाई नॉट रियलाइजिंग दैट द टाइम इज पासिंग एज क्विकली एज इट इज सो हर रूम में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो टाइम को डिस्प्ले करे चाहे क्लॉक हो फोन कंप्यूटर हो कुछ भी सेट ऑल योर सेट ऑल योर क्लॉक्स एंड वॉचेज एट द सेम टाइम सभी को सेम टाइम पर सेट करिए डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक मत रहिए कि सभी ठीक ही हो जाएगा थिंग्स यूजअली टेक लॉन्गर दैन वॉट दे वुड एक्सपेक्ट कई बार जो लगता है उससे ज्यादा टाइम uh, लग जाता है चीजों में इवन विदाउट मेजर डिलेज इफ़ यू हैव अ डिनर अपॉइंटमेंट एट सेवन थर्टी पी एम डोंट थिंक यू विल वर्क टिल सेवन पी एम देन टेक अबाथ ड्रेस एंड रीच ऑन टाइम रियलिस्टिकली कैलकुलेट द टाइम एट ईच स्टेप एंड देन एट टेन मिनट्स मोर टू अलाउ फॉर अनएक्सपेक्टेड डिलेज और यू कैन नॉट गेट टू योर जॉब डन इन टाइम तो जो भी आप काम करने वाले हैं हर एक स्टेप का टाइम ऐड करिए और फिर टेन मिनट्स उसमें एक्स्ट्रा एड कर लीजिए वेकअप वेन यू सपोज टू वेकअप डोंट हिट द स्नूज बटन कीप ऑन लाइन इन बेड And watch TV at very start of your day maybe you can try even setting your uh, clock 10 minutes earlier than you need if you have difficulty with this move your alarm clock away from your bed that way you will have to get up to turn it off do have alarm clock ko, to usko turn off karne ke liye aapko jana and uh, commit yourself to uh, being 15 minutes early for everything if you have to reach your place of work at 8 डोंट इवन टेल योर सेल्फ दिस जस्ट टेल योर सेल्फ़ आई हैव टू बी एट वोकेट सेवन फोटी फाइव इफ़ यू डू दिस यू विल बी ऑन टाइम इवन विद लिटिल अनफॉर्चुनेट डिलीज ओके आइडियल शेड्यूल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम फाइव ए एम टू फाइव पी एम सो फाइव टू सिक्स के बीच में आप उठेंगे देन सिक्स टू सेवन थर्टी अप्रॉक्स एट के आसपास रेडी होंगे स्कूल के लिए एट से देन वन ओ क्लाक तक स्कूल में रहेंगे उसके बाद एक बजे वापस आने के बाद तीन तक लंच करेंगे रेस्ट करेंगे एंड देन थ्री टू फाइव स्टडी टाइम होगा फाइव फोर थर्टी तो ये आपका पैराग्राफ था ना क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज बाई चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये तो इट इज गुड टू कमिट ब्लैंक फॉर यंग हर चीज के लिए कमिट uh, रहना टू बी लेट लेट होना चाहिए टू डिले टू बी फिफ्टीन मिनट्स अर्ली टू सर्च द लास्ट मोमेंट आई थिंक फिफ्टीन मिनट्स अर्ली के लिए उसने बोला है कमिट योर सेल्फ टू बी फिफ्टीन मिनट्स अर्ली फॉर एवरीथिंग ओके सी ऑप्शन इज करेक्ट टू बी पंक्चुअल वी शुड पंक्चुअल होने के लिए हमें स्नूज बटन को हिट करना चाहिए लॉन्ग क्लॉक पर नो गेट अपट राइट टाइम सही टाइम पर उठना चाहिए सुबह सुबह टीवी देखना चाहिए बेड पर लेटे रहना चाहिए ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट इज इट इज अ गुड हैबिट टू अच्छी हैबिट है रीच योर वर्क प्लेस इन टाइम सही टाइम पर वर्क uh, प्लेस पर पहुंचना कीप लाइंग ऑन बेड आफ्टर द अलार्म क्लॉक बजेज रॉन्ग कैलकुलेट द टाइम बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क बोथ बी एन सी बोथ सॉरी ए एन सी ए और सी दोनों करेक्ट है वर्क प्लेस पर सही टाइम पर पहुंचना और कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले टाइम को कैलकुलेट कर लेना ये दोनों ही अच्छी हैबिट है क्लासेज के अकॉर्डिंग द वॉच शुड बी सेट ब्ल ए कितना टाइम हमें पहले वॉच को सेट करना चाहिए आइडियली ये यहाँ पर था जस्ट टू मिनट्स पांच या दस मिनट नहीं सिर्फ दो मिनट आगे रखेंगे सो सी ऑप्शन इज करेक्ट द राइटर सजेस्ट टू कीप द वॉच राइटर ने सजेस्ट किया वॉच को कैसा रखना है टाइम से आगे एक्यूरेट इन एक्यूरेट तो नहीं एक्यूरेट या फिर टाइम से आगे पहली, पहले योर वॉच एक्यूरेट ओके द गिवन पिक्चर शोज दैट स्टूडेंट्स शुड वेकअप गिवन पिक्चर में क्या दिया है बच्चे कब उठेंगे Between 5 to 6. Between 5 a.m. to 6 a.m. The word which means same as correct in all details in Para 1. Correct in all details. and me se kya matlab hai? Watch accurate, accurate. B option is correct. Now next is section B writing and grammar. The monsoons are a time of great fun and even a few adventures. प्लेंग इन द रेन एंड गेटिंग वेट वेडिंग थ्रू नी डी वॉटर ऑन यूर वे टू स्कूल पावर कट एंड सो ऑन ये सब चीजें बारिश के टाइम पर होती है घुटनों तक पानी आ जाता है आपको स्कूल जाना पड़ता है पावर कट होता है डायरी एंट्री लिखनी है रेन्स विच यू कैन नेवर फॉरगेट कोई भी इंसिडेंट जो हुआ हो जिसको आप कभी भूल नहीं सकते रेन से रिलेटेड सो so ये फॉर्मेट है डायरी एंट्री का सबसे पहले डे दे एंड डेट देन टाइम जब आप डायरी लिख रहे हैं डियर डायरी The monsoons are a time of great fun and even a few adventures. Playing in the rain on back home from school, getting wet, etc., can be enjoyed. But there was a day when I did not like the rain. I was on my way to school. As I was about to get into the bus, it started raining. After a few minutes, it started very heavy rain. The roads were flooded. There was water everywhere. When I got down the bus at my bus stop, I was unable to think what to do. I got down and started walking in knee deep water slowly. I was fully drenched when I reached school. There was a horrible scene awaiting. The school ground was over watered. The things were floating on the water. The memory of that day still remains in my mind. Today up to this, hope we shall talk later. Okay, next. Next is question number four. You are Neha Sharma or Nitin Sharma of one fifty two B Model Colony, Meerut. your मच आपके शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है राइट to टू words. पीपल okay. एक एडिटर को लेटर लिखना है आपको हिंदुस्तान टाइम्स के इसके बारे में अवेयरनेस uh, क्रिएट करने के लिए और अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करने के लिए सो so, सबसे पहले आपका एड्रेस होगा जो क्वेश्चन में गिवन है बी मॉडल कॉलोनी मेरठ यूपी देन द एडिटर न्यूज़पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम्स मेरठ डेट जब आप लेटर लिख रहे हैं सब्जेक्ट इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टूवर्ड्स द हार्मफुल हार्मुलजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ जो नॉइज पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इट कॉजेज अ ग्रेट डैमेज टू द हेल्थ ऑफ द पीपल जिससे लोगों की हेल्थ को डैमेज हो रहा है इट ऑल्सो रेस्ट एंड पीस ड्यू टू स्टडीज बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पातेजेज लॉस ऑफ सेंस ऑफ हयरिंग वर्किंग एफिशियंसी को यह अफेक्ट करता है सेंस ऑफ हयरिंग को वो लूज कर रहे हैं द अथॉरिटीज शुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स द नॉइज कंट्रोल लॉज को उन्हें स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की जरूरत है अथॉरिटीज को द फ फैक्ट्रीज विच प्रोड्यूसिस नॉइस शुड बी प्लेसड फार अवे इमिडिएटली जो फैक्ट्रीज नॉइज प्रोड्यूस करती हैं उनको सिटीज से दूर सेट किया जाए लाउड स्पीकर शुड नाट बी यूज आफ्टर स्पेसिफिक टाइम के बाद लाउड स्पीकर के यूज को बैन किया जाए इराडिकेट करने के लिए नॉइज पोल्यूशन को अथॉरिटीज नीड पब्लिक कॉपरेशन उनको लोगों के कॉपरेशन की जरूरत है शुड बी अवेयर लोगों को अवेयर किया जाए एंड कॉपरेटिव अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन

और में एक और क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस एंड गिव सुबल टाइटल टू इट एक स्टोरी आपको कंस्ट्रक्ट करनी है इन आउटलाइंस को यूज करके और उसको एक टाइटल देना है सो यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर फ्रीडम फाइटर था एग्जाइल कर दिया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ब्रिटिशर्स के द्वारा इनफेमस सेल्युलर जेल है वहां पर इनफेमस मतलब जो किसी खराब कारणों की वजह से जानी जाती हो प्रिजनर्स को वहां पर टॉर्चर किया गया उन्होंने रिवोल्ट किया बाय इनमेट्स जो प्रिजन में इनमेट्स थे डॉक्टर को हैंग कर दिया गया वाइफ वेट करती रही फॉर हिज रिटर्न देन शी बिकम्स ओल्ड ओल्ड हो जाती है वो कंटिन्यूस टू वेट विद होप एंड फेथ लेकिन उम्मीद में और फेथ में वो वेट करती रहती है सो इन द ईयर 1929 व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश राज द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एनलाइटेंड द माइंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल Gradually, people started thinking progressively and were fighting hard to free the country from British rule. At that time, a young newly married doctor was framed in a conspiracy case and sent to Andaman and Nicobar Islands, which was located in the Bay of Bengal. He was a freedom fighter who was exiled to the infamous cellular jail for a few years. He, along with other prisoners in this jail, were subjected to inhuman torture due to re revolt made by the inmates. वन फाइन डे ही वॉज हेंग्ड बट हिज वाइफ केप्ट वेटिंग फॉर इज रिटर्न एंटिल शी ग्रू ओ ओल्ड हाउर शी ने लॉस्ड हर होप एंड फेथ एंड कॉन्टीन्यूज टू वेट फॉर हर हजबेंड टू रिटर्न सम डे ओके नाउ नेक्स्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हैं सो कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच इन टू द कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच इंटू द रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच ये स्टेटमेंट हैं डायरेक्ट स्पीच की इनको इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है डिनर so be आपकी बुक का ही सेंटेंस है पेनी आस्ट जॉडी पेनी ने जॉडी से पूछा इफ ही सेट टू मिलवील डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर सो ही आस्ट मिलवील इफ ही थॉट the phone was still there okay next arrange the following groups of words in correct sentences as look my eye after sibling her so i look after her as my sibling short take to i her walks the park for आई टेक हर आई टेक हर टू दॉक्स ये सेंटेंस लिखेंगे आप एज इट इज आंसर में इसके नेक्स्ट इज फुट द वर्ड्स इन द ब्राकेट्स इन टू द प्रॉपर फॉर्म्स द क्लास ब्लैंक क्वाइट सम चिल्ड्रेन ब्लैंक बुक्स सो द क्लास इज क्वाइट एंड सम चिल्ड्रेन आर रीडिंग बुक्स आप लिख सकते हैं या फिर पास में भी इसको बना सकते हैं द क्लास वॉज क्वाइट एंड चिल्ड्रेन रीडिंग शी वॉज नरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स नेक्स्ट इज कम्प्लीट देंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द्राकेट माई फ्रेंड हैजन ऑफ द ब्लैंक कार्सो द के बाद वैसे भी हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही आती है सो फास्ट फास्टर एंड फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट कार नेक्स्ट इज वॉट आर यू डूइंग नाउ इज ब्लैंक दैन वॉट यू डिड यस्टरडे ईजी का बताना है सो कंपेयर वो कर रहा है आज जो तुमने किया वो कल से ज्यादा ईजी है सो so, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएगी ईजी इजियर एंड इजीएस्ट, सो इजियर नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। माय माय लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। व्हेन शी ब्लैंक कम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे कल जब वो स्कूल से वापस आई सो व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे शी ड्रेस उसने अपनी ड्रेस को टेयर कर दिया था Now next is section C literature. In this, question answers honge. Read the following extract and answer the questions that follow. So the poetry of earth is ceasing never on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there shrills the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness have lost the grasshoppers among some grassy hills. Okay. What is never क्या कभी भी सीज नहीं होता दी पोएट्री ऑफ द अर्थ इज ने जगह लिखेंगे आंसर नंबर एक्स अप द जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग रिदम ड्यूरिंग विंटर्स सो द क्रिकेट अप द जॉब राइट एनी टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गि एक्स्ट्राक्ट दो पेयर लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स के नेवर एवर फ्रॉस्ट लॉस्ट एंड श्रिल्स हिल्स

नेक्स्ट uh, बॉक्स में गिवन है इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर क्या कोई एडवाइस आप दे सकते हैं ये इंटरव्यू था स्टीफन हॉकिंस का डिसेबल्ड लोगों को जो कि उनको हेल्प कर सके दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट जिस पर वो अच्छे हैं उस पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम ओके रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज वॉट इज द कॉमन बिटवीन द स्पीकर एंड द पर्सन ही इज टॉकिंग टू स्पीकर और जिससे वो बात कर रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है दोनों कैम्ब्रिज ग्रेजुएट्स हैं दोनों हैंडी कैप्ड हैं बी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज होम डिड द स्पीकर गो टू सी स्पीकर किससे मिलने के लिए गया था स्टीफन हॉकिन से वॉट क्वेश्चन डिड द स्पीकर आस्क क्वेश्चन क्या पूछा उसने मैसेज सभी के लिए मैसेज हैंडी कैप्स के लिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वॉट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग क्या वेस्ट ऑफ टाइम है ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना नॉट ऑर्गनाइजिंग ओलंपिक्स गेम्स फॉर डिसेबल्ड ना करना डिसेबल्ड के लिए डिसेबल्ड के लिए ऑर्गेनाइज करना ओलंपिक गेम्स ये वेस्ट ऑफ टाइम है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट इज आंसर एनी फोर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट इज वॉट साइंस डू यू फाइंड इन नेचर दैट शोज दैट

कि उसने कहा ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड सो वेन द राइटर एज द साइंटिस्ट इफ ही फेल्ट अनॉयड यू फेल्टॉयडन लाइक द राइटर वेंट एंड हिम इन वर्क जब राइटर ने साइंटिस्ट से पूछा कि क्या वो अनॉयड फील करते हैं जब राइटर की तरह कोई आता है और उनको डिस्टर्ब करता है उनके काम में देन साइंटिस्ट आंसर्ड यस तो साइंटिस्ट ने कहा हाँ वो अनॉयड फील करते हैं विद वन वे स्माइल सो दिस इंडियर द राइटर एज ही न्यू विदाउट बींग सेंटिमेंटल और सिली

वापस लेकर आया था नेक्स्ट इज वॉट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव वेन दे वर नॉट सोल्जर्स जब जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ सोल्जर्स नहीं थे उससे पहले वो क्या काम करते थे सो बिफोर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेज हैंस वुल्फ फ्रॉम डसल डॉफ यूज टू प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा हैंस वुल्फ डसल डॉफ में ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने से पहले एंड जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्राम डॉर्सेट वो डॉर्सेट से थे और वहाँ पर एक स्कूल टीचर थे नेक्स्ट इज डिड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस इफ सो वाई क्या जो एक प्रॉस्पेक्ट था कि वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने वाले हैं राइटर उससे थोड़ा सा नर्वस थे और अगर थे तो क्यों सो येज द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस ही वॉज टू मीट अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड दैट टू वन हु हैड अचीव ग्रेटनेस डिस्पाइट हिज डिसबिलिटीज वो एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने वाले थे जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव किया क्लियरली इट वॉज अ बिग मोमेंट वो राइटर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था अ ग्रेट ऑनर फॉर द राइटर एंड ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर ओके ना नेक्स्ट इज आंसर एनी थ्री क्वेश्चन फ्राम द फॉलोइंग फर्स्ट इज वॉट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द डॉग और ऑक्स को क्या टास्क असाइन किया गया था ये सप्लीमेंट्री रीडर किया गया था वाइल्ड को टास्क दिया गया था प्लॉ करने का खेत जोतने का नेक्स्ट इज ही गेम विद अल्लामिया उसने अल्लामिया को ऑफर किया एक गेम खेलने के लिए वॉट इज द गेम वो क्या गेम था सो द गेम ही प्लेड वॉज दैट ही वुड गो टू द सिग्नल वो सिग्नल तक जाएगा ये स्टोरी से है ना मुझे अभी याद नहीं स्टोरी का वाइल्ड गॉड वुड सीक्रेटली पुट द मनी अंडर अ बिग रॉक और वो गॉड चुपचाप से एक बड़े से रॉक के नीचे मनी को रख देंगे आफ्टर टचिंग द सिग्नल सिग्नल को टच करने के बाद ही वुड रिटर्न बैक वो वापस आएगा एंड फाइंड द मनी अंडर द रॉक उसको रॉक के नीचे वो मनी मिल जाएगी नेक्स्ट इज इन वॉट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट राजपुताना डेजर्ट में जो पूल था वो कैसे डिफरेंट था इस फॉरेस्ट पूल से सो द फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन ये बिल्कुल क्लीन था कोल्ड था इन्वाइटिंग था जबकि जो राजपुताना डेजर्ट में पूल था वो स्टिकी था मड़ी था वेयर बफेलोज वैलोड बफेलो वहां पर लेटी रहती थी पानी में मड में वेमेन वॉश करती थी उनके क्लोथ्स को नेक्स्ट इज वाई डिडेंट ही टेक कॉइंस एडवाइस कॉइन की एडवाइस उसने क्यों नहीं ली दो रीजन्स आपको बताने हैं सो इनिशियली शुरू में नहीं ली बाद में तो ले ली थी उसने इनिशियली द बॉय डिडन्ट टेक एडवाइस ऑफ द कॉइन सीरियसली फॉर अ कपल ऑफ रीजन्स दो रीजन्स क्या थे नंबर वन ही कुड नॉट स्पेंड द मनी मैंट फॉर पेइंग स्कूल फीस ऑन जलेबीज जो स्कूल फीस के लिए पैसे उसको मिले थे वो जलेबीज पर खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट था पढ़ाई में बहुत अच्छा था सेकेंडली द बॉय न्यू दार्श नेचर ऑफ द मास्टर एंड द पनिशमेंट उनके जो टीचर थे वो उनकी पनिशमेंट के बारे में और उनके हार्श नेचर के बारे में इस बच्चे को पता था ओके नाउ नेक्स्ट आर पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी कंपेल अदर्स टू एक्सेप्ट आर रिक्वेस्ट हमारी जो ह्यूमिलिटी है पोलाइटनेस है उससे हम दूसरे को कंपेल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए मानने के लिए क्या आप अग्री करते हैं विद स्टेटमेंट राइट योर आंसर विद रेफरेंस टू द पॉइंट द डक एंड द कैंग

वी cannot गेट एनी वर्क डन फोर्सफुली Forcefully आप कोई काम नहीं करा सकते इफ we फोर्स सम वन टू डू work, अगर आप फोर्स करेंगे किसी को काम करने के लिए ही और शी do दैट वर्क reluctantly. तो बहुत ही अनविलिंगली वो उस काम को करेगा And द वर्क वुड नॉट बी परफेक्ट सो वी शुड ऑलवेज रिक्वेस्ट request somebody पोलाइटली टू गेट आर वर्क डन ओके नेक्स्ट ना इसके और में क्वेश्चन है वॉट इज स्टीफन आइडिया बिहाइंड सिंग दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड आर्ट स्टीफन का क्या आइडिया था ये कहने के पीछे कि उन्हें वो करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं सो स्टीफन हॉकिंग बिलीव दैट द डिसेबल्ड शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दे आर गुड आर्ट उन्होंने कहा कि उनको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं दे शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ देर टैलेंट उनके टैलेंट को का बेस्ट यूज करना चाहिए अन थैंक गॉड और गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए ही सेड दैट इवेंट्स लाइक द डिबल्ड ओलम्पिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम ये जो डिसबल्ड ओलम्पिक्स हैं ये वेस्ट ऑफ uh, ये वेस्ट है द राइटर अग्रीड विद हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ ट्राइड टू प्ले स्पेनिश गिटार फॉर इयर्स राइटर ने भी अग्री किया इस बात के लिए क्योंकि वो कई सालों से ट्राई कर रहा था स्पेनिश गिटार को बजाने के लिए और फेल रहा एज इट वॉज लार्जर दैन हिमसेल्फ क्योंकि वो उससे भी बड़ा था उसको हैंडल वो नहीं कर पा रहा था ओके okay, नेक्स्ट ओनली वे ऑफ सॉल्विंग डिफरेंसिस ऑफ ओपिनियन क्या फाइटिंग अकेला तरीका है जिससे हम हमारे डिफरेंसेज को सोल्व कर सकते हैं वॉट एल कैन बी डन टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट क्या किया जा सकता है एक ऐसी सेटलमेंट के लिए जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो सो नो फाइटिंग इज न ओनली वे टू रिजोल्व डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन डिफरेंसिस ऑफ ओपिनियन को रिजोल्व करने का अकेला तरीका फाइटिंग नहीं है

सो ही केम टू द कंक्लूजन दैट इफ गॉड वर्ड टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग उसने कंक्लूड किया कि अगर जो भी हम मांगते गॉड उन सभी चीज़ों को देते रहते दैन मैन वुड स्टिल भी लिविंग इन नेस्ट सच एज वर्चर्स एन क्रोज कहते सब मिल जाता तो आदमी कुछ भी नहीं करता और वो वो और क्रोस के जैसे अभी नेस्ट में ही रहता एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज कोई भी आर्ट नहीं सीखता कोई काम नहीं सीखता जैसे कि जलेबी बनाने की आर्ट है बाय दिस ही मेंट दैट मैन वुड नॉट मेक एनी एफर्ट्स आर्ट ऑल इससे उसका मतलब है कि मैन कोई एफर्ट ही नहीं करता इफ गॉड गेव हिम एवरी थिंग ही विश्ड फॉर अगर गॉड उसको सब कुछ देता रहता जिसके लिए भी उसने विश किया है ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था एट क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर होपफुली थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग